खा जा रही हूँ। गाइस मेरे बाल क्या बनेगा इससे। गाइस बाहर घूम के इतनी गर्मी लग रही थी ना, इतना क्यूट सा फैन मिला है और बस इससे ऐसे ना पसीने सुखा रही हूँ। इनसे कैसी हो गई है, पर इतना कुछ खास इसकी तो सेल्वे नहीं खत्म होगी क्योंकि सेल वाला है ही नहीं। अच्छा है बहुत, देखो लग रही है हवा फेस के लिए तो सही है। एक और मिला है उससे ज़्यादा ना ये अच्छा लगा है मुझे ना। एक चीज़ पसंद आई है गाइज यहाँ पे, गेम ओवर में तीन कलर हैं। काजल कौन सा अच्छा लग रहा है, पिंक पर्पल या ब्लैक? बिल्कुल ही अलग, मैंने इन तीनों में से पूछा ये सबसे अलग ये अच्छा है ना। ब्लैक टम्बलर गाइज तुझे चाहिए? इतने सारे पड़े हैं घर पे। अच्छा चल ठीक है, बड़े क्यूट क्यूट आइटम्स हैं यार। ये पेन है, इधर टॉयज हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है। मैंने इसको बोला ये ले लूं, कहती छी और ये ले ले, ये कितना कुछ है, ये ले तू बनाना, तेरे जैसा ही लग रहा है बनाना। ये तो हमारे पास है, ओए ये देख कितना क्यूट है काजू, और काजू को पसंद आया ये, ये दिलवा दूं। मेरे जैसी बाल हो रखे हैं इसके इस टाइम पे। तेरे जैसी बाल हो रखे हैं, तेरे जैसी शक्ल लग रही है। बीच के लिए बैग लेना है, नहीं कितना अच्छा लग रहा है यार नहीं, इसका नहीं ये बीच के लिए नहीं है, वैसे आप अपना मेकअप का सामान रख सकती हो इसमें। ये दिलाना, तुझे मैंने एक बार ये दिलाया था जो मैं लेने लग रही थी, किधर है वो बता, वो पहले जवाब दे। हाँ वो कहाँ गया, इसे याद भी नहीं है। ग्रे कलर का याद है ना लिया था। ये चाहिए तुझे, क्या है ये दिखा, कैप बस रख दे वापस, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये। यहाँ पे ना गाइज मैंने आज देखा है कि दुबई कैन करके JBR पे भी आप पानी पी सकते हो, मैंने तो पहले नहीं देखा था। आ भी रहा है काजल आपको पीना, वो ही दिखा पियो पियो, ये मुझे पकड़ना पड़ेगा। इतना पी नहीं रही है जितना इसने गिरा दिया है, दिखा वाओ नाइस। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी डेली व्लॉग्स करने की, तो आज मैंने और काजल ने ना बहुत ही मतलब गलत डिसाइड किया। सनसेट बहुत अच्छा हो रहा था, हम लोगों को बालकनी से दिखा, तो हम ना दोनों आपस में ऐसे प्लान करने लग गए कि शायद आज बाहर का वेदर बहुत अच्छा होगा तो हम लोगों को बीच पे जाना चाहिए। इतने अच्छे से रेडी हुए और मेरे बालों की हालत आपको दिखी रही होगी, मैंने सोचा बीच वेव्स कर लेती हूँ। तो मैं हेयर वॉश करके ना बस ऐसे ब्रेड्स बना के घूम रही थी दो दो, लेकिन ना अच्छे कर्ल्स हुए ना कुछ हुआ, और बाहर जाते ही हालत ख़राब, इतनी गर्मी। सच में यहाँ पे ना वेदर ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा होता है, कल आप फिर गेस नहीं कर सकते कि गर्मी होगी या अच्छा ही वेदर होगा। तो आज बहुत बुरे हालात थे बाहर के, और जाते ही काजल ने तो पता नहीं इतनी तैयार होके गई थी, पहले तो बंडाना यहाँ पहना हुआ था पिंस के साथ, उसके बाद इसका बन बन गया, और अभी अगर मैंने इसकी हालत दिखा दी ना आप बोलोगे कि वाह काजल तो बहुत ही अलग ही लग रही है। सारे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए हैं आज काजल ने, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है इस लड़की का। इसको लग रहा है कि जब से थोड़ा जॉब वाली चीज़ें चल रही है ना, इसको लग रहा है कि अब ये किसी की सुनेगी नहीं। तो चलो हम अब घर आए हैं और अब दोबारा नहाएंगे, चेंज करेंगे, बहुत तेज़ भूख लगी है तो काफ़ी ग्रॉसरी का सामान लेकर आए हैं जो इंस्टेंट हम कुछ कुछ बना सके। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। क्या हो गया काजल तुझे, क्या हो गया? सर्द गर्म, सर्द गर्म। और गाइस जैसे कि जो शूज इससे निकल नहीं रहे हैं ना, जो इसके अलावा कोई कंटेंट है आपके पास है, और जो तो इससे बनाओ आप। जो ये बैंडाना टॉप आपके पास अलग कंटेंट है, आप वो बनाओ। मेरा जो है सिग्नेचर कंटेंट है वो बनाओ, अलग कंटेंट नहीं, कुछ नया देखना चाहते कि टॉप बहुत नया है जो तूने पहन लिया है, समझ। मैंने एक बार भी नहीं पहना काजू, तो चुप कर जा, हंसी आ रही है मेरी, हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है, पागल लड़की। नहीं तो तूने एक बार भी नहीं पहना था तो क्यों पहनेगी, मेरा लिया क्योंकि मैंने तेरा लिया होगा, इन लोगों ने देखा हुआ है मेरी हॉल वीडियो में ना, ये मैंने कहाँ से और कब मंगाया यार, ये तेरे चुप हो जाए, तेर मेर खत्म हो जाएगी ना, बस उसी दिन को चौपाएगा भट यहाँ। सो गाइज अभी कुछ हम ये सब सामान लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता कि काजल कैप्सिकम से क्या बनाने वाली है, किधर है इसकी कैप्सिकम, ये एक सिर्फ एक लेके आई है, मुझे बताना एक से क्या बनेगा। मेरा तो फेवरेट है देखो बैंगन, मैं तो बैंगन भी लाई हूँ, बनाना भी लाई हूँ, इससे मैं बनाना शेक पीती हूँ, क्या बनेगा इससे, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर ही बना सकती है तू। और ये पॉपकॉर्न है, ये पता नहीं काजल को क्या इस ब्रेड में समझ आने लग गया है, ये भी लेकर आई है।
सबसे अनहेल्दी ब्रेड होती है ब्राउन ब्रेड। इन लोगों ने कमेंट किया था मुझे कि ये क्या खाते हो आप, दिस इज हेल्दी। और ये हेल्दी होती है, फिर भी अगर ब्रेड खानी है तो व्हाइट खाओ ब्राउन नहीं। तो किसमें कमेंट आए थे कि अनहेल्दी होती है, ये ब्राउन ब्रेड? हाँ, तो तूने आज ही क्यों बताया मुझे, इतने दिन से तब मैं लाती थी। अब तुझे खानी है तो तू खा। हाँ तो मैं खाती हूँ, मुझे गोल्डन जूस। ये पता नहीं कौन सा नया पैक आया, तो हमने देखते ही ले लिया। कि मुझे ना इतने दिन से, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, फ्रेश योगर्ट में मुझे मैंगो वाला फ्लेवर पसंद है, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो मैं फिर उसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या उठा के ले आई हूँ। ये बहुत अच्छी वनीला डिजर्ट मुझे लगी, तो 2-3 दिन से लगातार मैं खा रही हूँ, और एक्सपायर होने से पहले मुझे फिनिश करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी काफ़ी ऐसे वेस्ट हो गई थी। ये पता नहीं, बस ताजो तो इनका कुछ बना दे, और लाई भी 2-2 पैकेट है, पता है क्या कहती, 4 तो मेरे है ना, मैं देखना चाहती हूँ तुझे 4 खाते हुए। सबनी का फॉल्स इन्फॉर्मेशन है अपने ब्लॉग। तूने यही बोला था, तूने यही बोल रही है मेरे बारे में, तूने यही बोला था। मैंने तो ये सब नहीं बोला। तो क्या बोला था तूने, आप मेरे बारे में सब गलत। तब मैंने 1 पैकेट उठाया, तूने ये क्यों बोला 2 लेके आ, बस ये बता। क्योंकि 2 मुझे अभी खाने हैं और 2 मुझे सुबह खाने हैं, ठीक है। पर तूने कहा इसमें से मेरे भी हैं, मैं कहा अपने लिए अलग ले फिर। तो यही तो बताया है मैंने, इसमें क्या गलत बताया है। और ये दिखा, ये क्या लेके आई है, चाट मसाला, क्योंकि ना हमारा जो हम इंडिया से लाए थे खत्म हो गया था, तो आज मुझे दिखा। अब लेट्स सी कि ये कैसा है। चलो अब पहले खाना पकाते हैं, फिर नहाते हैं अंदर से। पहले खाना पकेगा, फिर लेट्स सी करते हैं एक बारी। प्लीज ना यार, मैं लेट्स सी करना चाहता हूं। हां चल कर, खोल, लेट्स सी हो रहा है। हां खोल। देखते हैं, लेट्स सी। तू मेरा टॉप ना फटाफट निकाल, मुझसे बर्दाश्त नहीं। तू बदतमीजी, जब तू बदतमीजी करती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब शिल्पा कुछ नहीं मिलता तो कपड़ों पे आ जाता। हाँ तो तू इन मेरे कपड़ों में बदतमीजी नहीं कर सकती है। लेट्स सी हो गया। इसको थोड़ा कट करना यार, कपड़े तो मैं इससे निकलवा के रहूंगी अभी। वो तो मैं खुद ही निकालने जा रही हूँ, पसीने के हो गए। तो खा चाट मसाला। चाट मसाला जैसा ही है, पर अपने इंडिया वाला टेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, जैसा भी है, अच्छा है। चलो अब क्या बनाना है, पहले ये बनाएंगे। लेट्स सी करते हैं कि क्या खाना है। तो अक्कड़ पक्कड़ चंबे को। चाहती है ना क्या ये तुझे मेरे कपड़े पहनने को मिले? नहीं। हाँ तो फिर निकाल। अब नहीं चाहती मैं, अब नहीं चाहती। यही भी सोचेंगे अब मैंने ऐसे क्यों कहा। तो गाइस आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा मैंने ऐसे क्यों कहा। बता दे। फोन नहीं बता शिल्पा, अब तो बताएगी। 1 2 अभी थोड़े दिन में काजल पैकिंग करते हुए दिखेगी गाइस आपको। क्यों पूरा बताएगी अब तू? 1 2 सरप्राइज। देखा गाइज, मेरे बाल इतने खराब हो गए हैं ना, और मैंने आज ही हेयर वॉश किया था, तो मैं दोबारा हेयर वॉश करूंगी, कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद आपको मिलूंगी। और भूख भी लग रही थी, तो अभी जस्ट हमने वाटरमेलन खाया है। हमने नहीं। हाँ मैं अब दोबारा जा रही हूँ। हमने नहीं खाया, तूने वो, सॉरी मैंने खाया, मैंने खाया। सो गाइज ये नेक्स्ट डे हो गया है, और कल का व्लॉग ही पूरा नहीं हो पाया था यार। मैंने हेयर वॉश किया, दोबारा शावर लिया, और मेरे बाल इतने खराब लग रहे थे मुझे कि मैं सीधा सो गई। और आज जैसे कि मैं काजल को सेम उसी बोट पर लेकर जा रही हूँ जिसपे मैंने और काजल ने पहले बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और हमें बहुत मजा आया था। तो इस बार मेरी तरफ से काजल को ये छोटी सी ट्रीट है। मैं फिर से वहीं जाने का दिल कर रहा था बहुत दिनों से, तो इसने जस्ट ऐसे ही मुझे बोला कि शिल्पा क्या दोबारा वहां चले, तो मैंने इसके लिए आज एक छोटा सा ये सरप्राइज अरेंज किया है। और मैंने कुछ काजल की आउटफिट पहनी है, और काजल ने मेरी आउटफिट पहनी है। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं अपनी आउटफिट आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। मेरी पहनी है, ये देखो मेरी है। मैंने कुछ ये पहना है, और पीछे मैंने अपना ऐसे बो लगाया। गाइस मैंने ओल्डो से लिया था ये फ्रॉक, तो ये वो है। ये देखो आप, ये दिखाओ आप। वो दिखा दी। और मैंने ऐसे ब्रेड्स कर ली थी, तो ये थोड़े से ना ब्रेड्स दिखा। हाँ दिखाओ। थोड़े से फ्रिजी लग रहे हैं। फ्रीजी तो है, तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब जाऊं कि ना जाऊं, या पोनी बनाऊं, आप बताओ। अब काजल की आउटफिट दिखाती हूँ। तो ये शिल्पा का बनाना, शिल्पा की शर्ट, शिल्पा की बॉटम्स, घर की चप्पल पहन के जाएगी मेरी। पता नहीं गाइस इसका तो मुझे समझ कोई नहीं आता। बताना, और ये सब मेरा है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं। हाँ तेरा, मेरा, मेरा, तेरा। तो इनको भी पहचान हो चुकी, इनको भी पहचान हो चुकी है कौन से कपड़े किसके हैं। अच्छी अच्छी लग रही है मेरे कपड़ों में, अच्छी लग रही है। अभी एक चीज और दिखानी है जो मेरी होने वाली है। रुक रुक, ये मेरा है, तेरा है, ऐसा मेरे पास। अभी साहिल का कॉल आया, अब परफेक्ट लग रही है। चलो अब चलते हैं, काफी लेट हो गए हैं। खुद ही तो मुझे जो कहती थी अपने लिए भी बोलना, सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, तो तू वही लग रही है।
इतनी धूप है, इतनी धूप की अम्ब्रेला के अंदर भी धूप लग रही है मुझे इतनी तेज, क्योंकि आज हम काफी टाइम से निकले हैं। उन्होंने हमें कहा था 15 मिनट पहले आना, नहीं तो आपकी ट्रिप में से ना 15 मिनट वो कम कर देते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं, और क्या फायदा होता है ना गाइज इतना रेडी शेडी होकर बाहर निकलते, हर बार की यही कहानी होती है। अब ये ना अम्ब्रेला उल्टी भी होने वाली है, 2 बार तो हो चुकी है, क्या फायदा होता है इतना रेडी शेडी होने का। मैंने इतनी हिम्मत करके आज बाल खोले थे, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ जाते जाते मैं इसको बांध ही लूंगी। लेकर आई हूँ साथ में कॉम भी, रबड़ भी, बंडाना भी, लेकिन मैं चाहती नहीं, आज मैं चाहती हूँ मेरी पिक्चर्स ऐसी अच्छी अच्छी आएँ। और साहिल के सही मज़े हैं, वो रशिया में ठंड में घूम रहे हैं और यहाँ मैं दुबई में गर्मी में सड़ रही हूँ। डेली जब भी कॉल पे बात होती है यही कहते हैं कि उधर जितनी गर्मी है ना उससे डबल यहाँ पे ठंड है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं चलूँगी आपके साथ। बाकी अभी उनके भी व्लॉग्स आने वाले हैं रशिया के, और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ से, हमें लेनी है बग्गी तो थोड़ा सुकून होगा। बहुत बहुत तेज़ धूप है यार, कोई बंदा नहीं दिख रहा है काजू, सिर्फ तू और मैं ही हैं। काजू ने अपने बैग से पूरा फेस कवर किया हुआ है, वैसे हो नहीं पा रहा है उसका भी कवर, वो छोटी अम्ब्रेला ना एक ही बंदा ले सकता है। अब ढूंढती हूँ बग्गी स्टैंड किधर है, आज तो बग्गी भी नहीं मिली है गाइस, धूप में ही पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला बाय वॉक भी आप जा सकते हैं, तो बस चल ही रहे हैं। शुक्र है मैं अम्ब्रेला लेकर आई थी, नहीं तो मैं नहीं चल सकती थी इतनी धूप में पैदल। और अभी भी ना 6 बजे तक, मतलब 7 बजे तक धूप रहती है, तो कुछ ऑप्शन भी नहीं था, कितने ही लेट हो सकते थे। और सनसेट में ही मज़ा आता है उस माउंट फ्लोरी पे, तो कुछ पाने के लिए कुछ घूमना पड़ता है। और मेरे चीक्स एरिया पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे हल्की हल्की बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जो मैंने डॉक्टर के साथ शेयर भी की थी, उन्होंने कहा वो एरिया बहुत सेंसिटिव है ना इसलिए ऐसे होता है, घबराना नहीं है। हेलो तारे दू, हाउ आर यू? सो गाइस फाइनली इतनी देर से ना मैं धूप से बच रही थी, और अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली है और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ फिर से, क्योंकि धूप में तो बिल्कुल इंजॉय नहीं हो सकता इस बोट पे। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सनसेट होगा ना वैसे वैसे ठंडी ठंडी हवा चलेगी, उसके बाद फिर मैं रिलैक्स करूँगी। और यहाँ पे हमें ब्लूटूथ भी मिलता है स्पीकर, तो हम अपने सॉन्ग्स भी चलाएंगे। आज काफ़ी कुछ सोच कर आए हैं, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा इंजॉय करना है मैंने। आज पता नहीं गाइस शायद ना बहुत ज़्यादा वेव्स हैं, हद से ज़्यादा, और लास्ट टाइम मैंने इधर ही चलाई थी ये ना। गाइस फाइनली सनसेट हो गया है और अब पसीना नहीं आ रहा है, और अब सीज़न जैसे स्टार्ट हुआ है ना तो इतनी सारी यॉट है, इतनी सारी, क्योंकि अभी इन्होंने भी बताया कि अब आगे आगे ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा यॉट दिखेंगी। और आज पानी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, इससे ना वेव्स भी बड़ी ऐसे ऐसे हमारी ये वाली फ्लोरी ना, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कह रही हूँ माउंट फ्लोरी भी ना ऐसे ऐसे हो रही है आज ज़्यादा, तो आज मैं ड्राइव करना बिल्कुल नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। ये देखो, और काजल तो बैठ गई है डर के, उसको तो बहुत डर लगता है। गाइस बहुत जल्दी मैं आपको ये चलाती हुई नज़र आने वाली हूँ जेट कार, यार सही चला रही है गाइस, मैं भी चला सकती हूँ इट मीन्स। तो मेरी वीडियो कौन बनाएगा? यार गाइज क्या फ़न है, अगर आप ग्रुप में आते हो ना तो ये वाली यॉट बुक कर सकते हो, पर मैंने साहिल के साथ ये कर रही है क्योंकि वो तो चला ही लेंगे मज़े से। काजू जी थक गई हो? थक गई हो?
इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सनसेट लग रहा है ना गाइज, मैं तो खुश हो गई। आज वाली माउंट फ्लूरी का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। उस दिन हमें रात हो गई थी और आज हमें इतना ज्यादा अच्छा टाइम से हम लोग आए हैं ना, सब कुछ अच्छे से देखने को मिला है। उन्हें ना चेंज चाहिए और मेरे पास चेंज नहीं है, अब लेने जा रही हूँ। फाइनली चेंज मिल गया, इतने अच्छे भैया थे बेचारों ने दे दिया। घर आने के बाद सेम पोजीशन काजल रानी की, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। कैसी थी गर्मी आज की? बहुत गर्मी लग रही है, बारिश से पहले वाली जो ह्यूमिडिटी होती है वो थी। बारिश भी हुई है, मैंने नहीं देखी। जब तक ये मुझे बताने आई वो चार बूंदे भी खत्म हो चुकी थी। और गाइज मेरे फ़ोन की ना स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी, तो आगे का मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई। और अभी भी इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट करने के बाद ये थोड़ा सा स्पेस बना है। तो अगर ये व्लॉग आज का पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और काजल रानी कुछ प्लान कर रही है। बता दिया काजल इंडिया जा रही है, मुझे था मैं ना ही बताऊँ। चल ठीक है, ओके। तो बाकी क्यों जा रही है, कब आएगी और ये सब इसके व्लॉग में देख लेना आप। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय।